वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए दिया है, उसका ऑर्डर क्या है, थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, दैट इज ए थ्री बाय थ्री है। प्रूव क्या करना है, इधर ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो आएगा, हमका हमारा आंसर जीरो करके प्रूव करना है। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद ए क्यूब लेंगे। ठीक है, सो ए ऑलरेडी दिया है। सॉल्यूशन वेरी सिंपल, ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक्स ए लिखेंगे इधर, सो वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री, ए मैट्रिक्स ए एंड वन मोर मैट्रिक्स ए, सेम ही वही एलिमेंट लिखना है इधर, वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री। ओके, नाउ सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम करके इस तरह एलिमेंट्स लेना है इधर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, सो वन इंटू वन दैट इज ए वन हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स लेंगे वन इंटू वन वन प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, टू इंटू टू प्लस फोर हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। बाद में सेकेंड एलिमेंट का फाइंड करेंगे, सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेना है एलिमेंट्स को, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू दैट इज ऑल्सो जीरो, टू इंटू जीरो दैट इज ऑल्सो जीरो। ओके, टोटली सेकेंड एलिमेंट जीरो आ गया। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे, इसलिए क्या लेना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट्स को लेना है इधर, सो वन इंटू टू दैट इज ए टू, बाद में जीरो इंटू वन प्लस जीरो, प्लस जीरो या मैंने जीरो 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 ही होता है। ओके, नाउ उसके बाद टू इंटू थ्री दैट इज ए सिक्स, प्लस सिक्स आएगा। ओके, फर्स्ट रो हो गया, बाद में सेकेंड रो वैल्यू एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, इसलिए क्या लेना है इधर, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वन टू थ्री, तीनों कॉलम लेना है, वन बाय वन लेना है इधर। ठीक है, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स को लेना है, जीरो इंटू वन जीरो, टू इंटू जीरो ए भी जीरो आ गया। ठीक है, प्लस बाय में वन इंटू टू दैट इज ए प्लस टू, सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स लेना है, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, टू इंटू टू प्लस फोर हो गया। ओके, बाद में वन इंटू जीरो दैट इज ए जीरो हो गया। ठीक है, बाद में थर्ड एलिमेंट फाइंड करने के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू टू जीरो, टू इंटू वन दैट इज ए टू, वन इंटू थ्री दैट इज ए प्लस थ्री, इस तरह एलिमेंट आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड रो जाएंगे, थर्ड रो का एलिमेंट्स फाइंड के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम लेना है इधर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स को लेना है, सो टू इंटू वन टू प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, बाद में थ्री इंटू टू प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, बाद में थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, बाद में थर्ड रो थर्ड कॉलम, टू इंटू टू फोर, जीरो इंटू वन जीरो, थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, देखिए एलिमेंट्स कैसे आएगा इधर, मैट्रिक्स ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट इज फाइव जीरो, उसके बाद एट, फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो देखिए टू फोर फाइव हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट का रो है, सेकेंड एलिमेंट है। थर्ड रो का एलिमेंट्स क्या है, एट जीरो एंड थर्टीन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए क्यूब फाइंड करके क्या चाहिए, ए क्यूब इज ए स्क्वायर इनटू, और एक बार ए लेना है हमको, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया फाइव जीरो एट करके, बाद में टू फोर फाइव, थर्ड रो एट जीरो थर्टीन, ए स्क्वायर है। ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स लेना है वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री, फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, रो इनटू कॉलम एलिमेंट्स को लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से एलिमेंट्स लेना है इधर, फाइव इंटू वन, ओके दैट इज ए फाइव, बाद में जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, बाद में एट इंटू टू प्लस सिक्सटीन, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। बाद में सेकेंड एलिमेंट फाइल करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेना है, फाइव इंटू जीरो इज ए जीरो, एंड जीरो इंटू टू इज ए जीरो। ओके, इसके बाद एट इंटू जीरो इज ए जीरो, सेकेंड एलिमेंट हो गया। बाद में थर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
5 into 2 is 10, 0 into 1 is 0, 8 into 3 is 24. ये फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो का एलिमेंट फाइंड करेंगे, इसलिए क्या लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, इस तरह लेना है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 into 1 that is 2, 4 into 0 that is 0, देन 5 into 2 plus 10 हो गया। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 into 0 0, 4 into 2 plus 8 आ गया इधर। उसके बाद नेक्स्ट 5 into 0 is 0, ओके। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 into 2 4, प्लस 4 into 1 4, 5 into 3 plus 15, ओके। इस तरह एलिमेंट्स आ गया। बाद में थर्ड रो का एलिमेंट्स पाने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह एलिमेंट्स को लेके मल्टीप्लाई करना है। नाउ 8 into 1 8, 0 into 0 is 0, 13 into 2 is 26. But third row, second column, 8 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, 13 into 0 is 0. But my third row, third column, 8 into 2 16, 0 into 1 is 0, then 13 into 3 is 39, plus 39, okay, that is equal to, now see this one, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे इधर। ओके, एलिमेंट्स ऐड करने के बाद ए 21 हो गया, ए 0, ए 34, एक फर्स्ट रो का हो गया, बाद में 12 8 23, ए सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया, बाद में थर्ड रो का एलिमेंट 34 0 55। इस तरह से हमको मैट्रिक्स ए क्यूब मिल गया इधर। ओके, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लेंगे, ए इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या है इधर, क्या दिया है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू ए क्यूब लिखेंगे फर्स्ट, सो ए क्यूब मैट्रिक्स लिखेंगे इधर। ए क्यूब मैट्रिक्स इज क्या है, 21 0 34 12 8 23, नेक्स्ट 34 0 55 है, ठीक है। माइनस 6 into a² ए स्क्वेयर भी है इधर, एंड दिस इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है, वही लिखेंगे इधर, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ए स्क्वेयर हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस 7a, 7 into matrix है, दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, वही लिखना है इधर, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 plus 2 i, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है इसको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, इस तरह लेना है। अब ये 6 and 7 and 2 इनको अंदर लेंगे, मतलब उसी मैट्रिक्स से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीपल का मतलब क्या होगा इधर, फर्स्ट मैट्रिक्स इज एज इट इज, नो चेंज, ओके। फर्स्ट क्या है, मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, कुछ एलिमेंट चेंज नहीं होगा इसमें, ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड है ना, माइनस 6 को अंदर लेंगे, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। नाउ ये 30 हो गया, देन 0 48 12 24 30 48 0 and this is a 78। उसके बाद प्लस 7 है ना, 7 को हर एक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ठीक है। प्लस 2, हर एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ओके, इस तरह से आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, सभी को हम ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा इधर, आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको पता ही होगा, ठीक है ना। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज क्या है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू
ओके इधर देखिए क्या है, इधर हर एक फर्स्ट एलिमेंट, हर एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऐड एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके नाउ दिस इज बिकम मैट्रिक्स इज, इस तरह से आएगा। फर्स्ट एलिमेंट लेना है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, मतलब इस तरह ये 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। बाद में सेकेंड एलिमेंट लेंगे 0 0 0 0 है, सभी एलिमेंट 0 है इधर। सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, प्लस नहीं इधर माइनस भी आएगा, इधर माइनस आएगा इस साइन में। ओके माइनस है ना इधर। बाद में थर्ड एलिमेंट देखिए, थर्ड एलिमेंट मतलब ए 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, यही इधर लेना है हर एक एलिमेंट्स को। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। उसी तरह सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट, सेकेंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट, ईच मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेना है सेकेंड रो का। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 है। ओके सो यही है ना, प्लस 12 माइनस 12 0 एंड 0, इस तरह लेना है इधर। ठीक है, बाद में सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट फाइंड के लिए हर एक मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट लेना है इधर। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा एलिमेंट्स लेके, वही प्रोसीजर चल रहा है इधर। थर्ड रो के लिए 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, देन 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, इस तरह आएगा। बाद में लास्ट एलिमेंट इज है 35 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो फाइनली वी गेट इस फर्स्ट एलिमेंट देखिए, सो प्लस माइनस होके 0 आएगा, ए भी 0 है, ए भी 0, हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 0 आएगा, आ जाएगा। यही हमको इधर प्रूव करना है। सो दिस इज इक्वल टू, हमको जीरो मैट्रिक्स मिल गया, यही प्रूव करना है। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए दीजिए। सब्सक्राइब किए तो आपको नई वीडियो का नोटिस मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।